वंदे मातरम दिल्ली लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, वहीं उनकी प्रतिद्वंदी मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ होंगे नए उपराष्ट्रपति। अब रिजल्ट का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे से लगातार काउंटिंग जारी थी और अब नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि लगभग ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ औपचारिकता ही थी, ऐलान होना बाकी था, क्योंकि पूरा जो अगर मेजोरिटी की बात की जाए, आंकड़ों की बात की जाए, सपोर्ट की बात की जाए, तो बीजेपी इकलौती ही ऐसी थी। बीजेपी के पास पहले ही पूरा मेजोरिटी थी, और क्योंकि अगर इकलौते अगर बीजेपी की बात करें तो इतना समर्थन था बीजेपी के पास कि वो बिना अपने अन्य दलों के अलावा भी ये चुनाव जीत सकती थी। लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को, मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। यानी जगदीप धनखड़ अब नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं देश के। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ कौन है, उनकी खासियत आपको बताया। धनखड़ को राजनीति में देवीलाल लाए थे। 1989 में झुंझुनू से सांसद वो चुने गए थे। केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री भी धनखड़ बने, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी से टकराव तो जग जाहिर है उनका। राजस्थान के मूल निवासी हैं जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी वो रह चुके हैं, और उनके प्रतिद्वंद में विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को उतारा गया था, जो कि राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है। 182 वोट मिले हैं उनको, और जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले। तो 1989 में झुंझुनू से सांसद रह चुके हैं जगदीप धनखड़, तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता बनर्जी से जो उनके टकराव होते थे हर एक विषय पर, वो तो जग जाहिर है, लेकिन एनडीए की तरफ से उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। और फिलहाल नतीजे जो सामने आए हैं, जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति होंगे। देवीलाल जगदीप धनखड़ को राजनीति में लाए थे, फिर 1989 में झुंझुनू से वो सांसद बन गए। केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री भी धनखड़ रह चुके हैं, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी से कई बार उनका टकराव देखने को भी मिला है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की कि जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति देश के होंगे। घोषणा हो चुकी है, औपचारिकता जिसका इंतजार किया जा रहा था वो औपचारिकता भी सभी पूरी हो चुकी है। लवली बख्शी मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लवली, अब नतीजे तो घोषित हो गए हैं, और क्योंकि जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति होंगे, फिलहाल अगर दिल्ली के माहौल की बात की जाए तो कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर इस समय जश्न का माहौल है, और जगदीप धनखड़ को 728 वोटें मिली है, 528 वोटें जगदीप धनखड़ को मिली है, और 182 मार्गरेट अल्वा को मिली है। दिल्ली से लेकर राजस्थान के अंदर इस समय जश्न का माहौल है, और तकरीबन 93% वोटिंग हुई है, और 50 से ज्यादा सांसद कुछ ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर वोटिंग करने से जो रह गए या उन्होंने नहीं करी। और हम आपको बता दें, जिस समय दोपहर के समय वोटिंग हो रही थी, तो उसी तरफ पहले से ही अंदेशा आ गया था कि कितनी वोटिंग होनी है और कितनी हो रही है, और नेटवर्क 10 के माध्यम से सबसे पहले हमने ही बताया था कि 525 से लेकर 530 के करीब वोटिंग जगदीप धनखड़ के पक्ष में पलने वाली है, और ये एक तरफा मामला हो सकता है। बिल्कुल, और 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को। लवली, अब एक तरफा जो आप बात कह रहे हैं कि एक तरफा मामला हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि अगर मार्गरेट अल्वा की बात करें तो महज 182 वोट उनको मिले हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आंकड़े बने थे, सिर से वोटिंग से लेके
सभी के अंदर वोटिंग करने के लिए जोश उमड़ था, हर बंदा अपनी वोटिंग करने के लिए आ रहा था, हर सांसद में वोटिंग करने आ रहा था। और हमने आपको बताया कि 350 के करीब, 357 के करीब जो सांसद थे, जो वोटिंग होनी थी वो बीजेपी के पक्ष से होनी थी, साथ में सहयोगियों दल के हिसाब से वोटिंग होनी थी। उसी आंकड़ों के जो अनुमान बताए जा रहे थे 525 से 530 के बीच में जगदीश धनखड़ को पड़ सकते थे, और वो अब रुझान आपके सामने है, वो रिजल्ट आपके सामने है दिल्ली से लेकर राजस्थान तक। क्योंकि आप देखिए चारों तरफ से तो बधाइयों का तांता अब लगा होगा, क्योंकि हर कोई बधाई देने के लिए अब पहुंचेगा जगदीप धनखड़ को। अब इस वक्त जगदीप धनखड़ कहां पर हैं, अभी कौन उनके आवास पर पहुंचा होगा, और अगर प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा की तरफ से बधाई आ रही है। दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी कुछ ही समय के अंदर जगदीप धनखड़ के घर पहुंचने वाले हैं, और इस समय जश्न का माहौल इस तरीके से हुआ है, मिठाइयां, ढोल, नगारे, किसी से बात करने में चिल्ले, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके घर में पहुंच रहे हैं, उनको खुशी है। जगदीप धनखड़ हमारी बात लवली मैं रोक रही हूँ आपको, जरा तस्वीरें अब सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ को बधाई देने पहुंच चुके हैं, और ये तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद, और तस्वीरें आपको दिखाई हमने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लवली पहुंच चुके हैं बधाई देने के लिए जगदीप धनखड़ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जगदीप धनखड़ के घर, और कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरेंजमेंट लग चुका था। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले पहुंचे थे। इस समय आप देख सकते हैं जश्न का माहौल किस तरीके से है, और राजस्थान के लोगों के अंदर खूब खुशी है, और राजस्थान के लोगों का कहना कि उनको एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात मिली बिल्कुल है। बिल्कुल लवली मैं रोक रही हूँ जरा आपको, तस्वीरें सामने आ गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ को अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो इस समय अभी जो मुलाकात हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने के लिए जगदीप धनखड़ को पहुंचे हैं ऑफिशियल तौर पर, हमने तस्वीरें दिखाई दर्शकों को। लवली अभी प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कितनी देर में यहां से निकले, कुछ अपडेट वगैरह मिल पाया था क्या प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को लेकर अभी, और भी अभी तो बधाइयां देने के लिए लोग पहुंचेंगे, दिग्गज पहुंचेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के पहुंचने का प्रोटोकॉल पहले से, जो उनकी सुरक्षा को लेकर एजेंसी अलर्ट होती है, वो पहले से अलर्ट हो चुकी थी, और उनसे पहले जेपी नड्डा पहुंच चुके थे। अभी कुछ ही समय अमित शाह और दूसरे भी बड़े नेताओं के पहुंचने की यहां पर हमारे को सूचना मिल रही है, जो कि जल्द से जल्द यहां पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल लवली, और तस्वीर तो अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन 528 जगदीप धनखड़ को वोट मिले हैं, और साथ ही एक बार फिर आपको बता दें कि मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले हैं। आप लवली बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।